Hello everybody, my dear students. Assalamu alaikum. Myself Dr. Sajjad Ahmed Mir, Senior Lecturer of Physics, Government Boys Higher Secondary School, Pampore. Now, the topic I will deliver here is a human eye. This topic is particularly essential for the class 12th students and the class 10th students. But here I will focus more to the class 10th students than the 12th one. So the secondary class, please have a patient listening what I am actually deliver for you. I hope that you will understand it very well. For any question or comment, you will just then drop me a text message on 9797012346. But please give me a patient listening or hearing to this lecture. Okay? So the topic is human eye. Human eye. मैं आपको अगर बताऊं कि human eye होती क्या है, बच्चों ये याद रखना चाहिए. ह्यूमन आई होती क्या है? ह्यूमन आई में अगर कोई डेफिनेशन ऐसे दे, आप बोलना इट्स एन एसेंशियल नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें लाइट की प्रोसेस कुछ होती है. ऐसे में उन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है. लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि कैमरा है, कैमरा भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. बट जो आई है, आई ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेचुरल है. तभी मैंने आपको बोला कि जो आई है, आई इज एन एसेंशियल नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. तो हम इस आई के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, आई क्या होती है और इसमें क्या चीजें होती हैं. तो देखो बच्चों, याद रखना चाहिए, हमारी आई जो है, इसकी जो शेप है ना, वो स्फेरिकल है. कैसी शेप है? स्फेरिकल शेप. नाउ ये ऐसा स्फीयर है जिसका डायमीटर अराउंड 2.5 सेंटीमीटर होता है. कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर. सो जो डायमीटर होता है इसका, ह्यूमन आई का डायमीटर ऑफ एच ई मीन्स ह्यूमन आई, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं. ओके, अब ये आई जो है उसका जो बाहरी वाला कवर होता है ना, बाहरी वाला जो बाहर वाला उसका ये एक मेम्ब्रेन होता है, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक. जैसे कि मैंने स्क्लेरोटिक यहां पर आपको बताया है, ये है वो आउटर कलर कवर. ये आउटर का कलर होता है हाईली डेंस, ओपेक होता है और हॉर्नी होता है. एंड इस कवर का पता है फंक्शन क्या होते हैं? इस कवर का फंक्शन ये होता है दैट इट प्रोटेक्ट्स अवर आई. क्योंकि ये ओपैक होता है और उसका ओपैक होना बहुत ही जरूरी है. ओके, वो इसलिए क्योंकि अगर ये ओपैक नहीं होगा लाइट का, यानी इसमें से लाइट नहीं जाती है, ना इसमें से बाहर निकलेगी ना अंदर आ जाएगी, वो इसलिए ओपैक है. अगर ये ओपैक नहीं होता फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन सपोज, तो आई में इल्यूमिनेशन रहती, तो उस इल्यूमिनेशन से सब कुछ हमें प्रॉब्लम में होते, यानी हमें दिखता नहीं बिकॉज अंदर से कुछ इल्यूमिनेशन होती, यानी जो हमारी वहां पर इमेज बनते हैं उस पर असर आ जाता. तो इसीलिए ये ओपैक होता है नेचर की तरफ से और हम इमिटेट इसी को करते हैं. पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं बच्चों, ये याद रखना चाहिए, हमारी आई एक कैमरा के मानंद है. मैं एक एनालॉजी पे बोल रहा हूं, यानी कैमरा इसी की एक कॉपी है, हमने उसी को इमिटेट किया है. लेकिन फर्क क्या है कैमरा और ह्यूमन आई में? फर्क यह है कि कैमरा में अगर आपको फोकस ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है ना, तो आप ना डिस्टेंस बिटवीन फोटोग्राफिक फिल्म और लेंस जो कैमरा होता है उसको वैरी करके जो इमेज है उसको फोकस कराते हो फोटोग्राफिक फिल्म पे. लेकिन आई में क्या होता है, आई में ये डिस्टेंस आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका कोई स्क्रीन नहीं लगा यहां पर, आप उसको चेंज करोगे तो आप जो है कि आप फोकल लेंथ को मतलब डिस्टेंस को चेंज करोगे, ठीक है ना. तो यहां हम उसके बदले, उस डिस्टेंस चेंज करने के बदले हम फोकल लेंथ ही चेंज करते हैं लेंस की. वो कैसे? वो नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे कैमरा में नहीं होता है. वो हम लेंस को या तो टेंशन की वजह से, यानी जो मसल के जरिए टेंशन, या तो उसको हम थिक बनाएंगे या तो थिन बनाएंगे, उसकी वजह से उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है. तो जब फोकल लेंथ चेंज है, जाहिर सी बात है जो लाइट वहां से आ जाएगी वो फोकस हो जाएगी जहां वो चाहती है वो आई फोकस होना. तो ये डिफरेंस बिटवीन कैमरा और आई में. चलिए फिर से बोलते हैं, अब आपको इतना समझ में आया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्क्लेरोटिक है, वो ओपैक होता है, वो डेंस होता है, ठीक है, और उसका काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द आई. उसके
बिल्कुल उसके बैक साइड में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोराइड, ब्लैक कलर की होती है। तो ये कोराइड तो वही मैं बोल रहा हूं कि ब्लैक होती है, वहां पर एब्जॉर्प्शन होती है लाइट की, यानी वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, वो लाइट को अंदर फैलने नहीं देगा, ये है उसका काम। अब देखिए फिर और एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये है स्फेरिकल शेप वाली आई की, और बाहर वाली जो लेयर है वो सिक्लोटिक है, और उसके पीछे बैक और में एक एक पिगमेंट है जो क्रोराइड है, एक लेयर है ब्लैक कलर की, वो क्रोराइड है। अब देखिए ये जो आउटर लेयर है, यहां जो आउटर लेयर है यानी स्क्लेरोटिक है, ये जो वही व्हाइट ऑफ आई है जो आपको दिखता है, सफेद जो आई दिखती है ना, वो इसी का एक पार्ट आपको दिख रहा है बाहर से स्क्लेरोटिक का। अब देखिए जब स्क्लेरोटिक के अगर आप सामने देखोगे, वहां पर एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, और वहां स्क्लेरोटिक और वो ट्रांसपेरेंट टिश्यू मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ, मर्ज होते हैं तो वहां पर एक नया चीज बन जाता है, बिकॉज दो मेटीरियल मर्ज होकर एक नया तीसरा चीज बनाते हैं, और उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ये देखिए वो कॉर्निया यही है, और यही कॉर्निया तो मेन एंट्रेंस है जो लाइट आ जाएगी आई के अंदर, द लाइट गेट्स इन टू द आई थ्रू दिस कॉर्निया, ठीक है ना, यही वो एंट्रेंस पॉइंट है। कैसे बन गया? स्क्लेरोटिक किसके साथ मिला? स्क्लेरोटिक मिला एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू के साथ और कॉर्निया बना। अब जरा देखिए आगे, अब क्या होगा, एक कॉर्निया के पीछे एक सर्कुलर डायफ्राम होता है, और उस सर्कुलर डायफ्राम के बीचों बीच एक होल होता है छोटा सा, और उस होल का जो साइज होता है ना वो वैरी होता है 2 मिलीमीटर से लेकर 8 मिलीमीटर तक, और उस डायफ्राम को बोलते हैं आयरिस। तो ये है वो आयरिस, यहां वो डायफ्राम लगा होता है बिल्कुल एट द बैक ऑफ कॉर्निया, लेकिन उसमें होल है, लाइट सिर्फ उसी होल में से जा सकती है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला उसका साइज वेरिएबल है मसल एक्शन के जरिए, ये आयरिस मसल्स में है, तो मसल एक्शन जब उसको टेंशन डालते हैं तो वो छोटा हो जाता है होल का डायमीटर, और अगर वो रिलैक्स करेगा तो वो बड़ा हो जाएगा। ये नेचर ने क्या दिया हमें, क्यों? क्योंकि जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो ये वाइड होगा एज बिग एज 8 mm, और जब बाहर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उस वक्त ये कम होगा, तो इस हिसाब से हमारी आई अंदर बच जाती है। आपने देखा जब बहुत लाइट होती है तो हम आंखों को ना ऐसे करते हैं, हम आयरिस के ऊपर मसल के थ्रू टेंशन डालते हैं ताकि वो जो वहां पर सेंटर में होल है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, उस प्यूपिल का साइज सिर्फ 2 mm बचे मिनिमम, ताकि कम से कम लाइट आ जाए। लेकिन जब रात का वक्त होता है ना, तब जब लाइट कम होती है शाम का वक्त, तो हम ना आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, यानी हम उस प्यूपिल का साइज एज मैक्सिमम एज पॉसिबल करते हैं, 8 mm तक करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट आंखों के अंदर आ सकती है। तो ये है इसका काम, नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं अब क्या उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें यहां मसल्स के बीचों बीच लेंस होता है नेचुरल, और वो लेंस ग्लासी फाइबर्स का बना होता है, किसका? ग्लासी फाइबर्स का। वो ग्लासी फाइबर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ये जो मसल्स हैं जिनके बीच में वो लेंस है ना, उनको बोलते हैं स्लैरी मसल्स, यहां लिखा हुआ है स्लैरी मसल्स। तो हमारा जो नेचुरल लेंस जो आई का है वो ग्लासी फाइबर्स का बना होता है, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, और जो स्लैरी मसल उन टेंशन डालता है, तो ये जो हमारा लेंस है ये थिक हो सकता है, अगर वो रिलैक्स करेंगे तो वो थिन होगा। जाहिर सी बात, जब कर्वेचर बढ़ेगा फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जब कर्वेचर घटेगा यानी थिन बनेगा लेंस, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, वही तो है फोकल लेंथ, यू नो फोकल लेंथ क्या था, जहां पर वो फोकस करता है लाइट को, वही लेंस का। तो चूंकि जब कर्वेचर बढ़ जाएगा वो नजदीक ही फोकस करेगा, यानी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यानी थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। लेकिन अगर स्लैरी मसल रिलैक्स होगी तो ये थिन बन जाएगा लेंस, मतलब कर्वेचर कम हो जाएगा, कर्वेचर कम होने का मतलब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो देखिए जनाब, अब आपको समझ में आया ये नेचुरल लेंस का काम है, ये थिक भी हो सकता है, ये थिन भी हो सकता है। कैमरा में ऐसा नहीं होगा, कैमरा का जो आर्टिफिशियल लेंस लगा हो उसको आप थिक और थिन नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते हैं। तो उसके बदले आप क्या कर सकते हो, आप डिस्टेंस वैरी करते हो फोटोग्राफी फिल्म और लेंस के बीच में, तभी तो फोकस करते हो उस फोटोग्राफी फिल्म में जब डिस्टेंस वैरी करते हो, या हम डिस्टेंस वैरी नहीं कर सकते, रिमेंबर इट, बिकॉज ये लेंस अंदर आई में लगा हो, हमारा कोई यहां पर फोकसिंग एलिमेंट नहीं है, ये नेचुरल एलिमेंट है, ये खुद ब खुद इस लेंस को या तो थिक बनाएगा कम फोकल लेंथ के लिए, या तो थिन बनाएगा। तो जाहिर सी बात है जो अंदर फोटोग्राफी फिल्म है उस पे इमेज बननी चाहिए,
फोटोग्राफिक फिल्म जो हमारी वो दैट मीन इसको फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं, उस फिल्म को जो लाइट की सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव टू द लाइट, यहां जो नेचुरल ह्यूमन आई में फिल्म के बदले होते हैं उसको हम रेटिना बोलते हैं। देखिए जी वो यहां पर है, ये है रेटिना, ये रेटिना के ऊपर, तो वहां आप फिल्म और लेंस के बीच में डिस्टेंस चेंज करते हो, यहां रेटिना और लेंस के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं करोगे, फिर आई को कैसे चेंज करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो नेचुरली क्या होता है कि जो लेंस होता है उसको या तो थिक करेंगे या तो थिन करेंगे, दिस द डिफरेंस बिटवीन कैमरा एंड आई, गॉट इट। तो बच्चों देखो ये याद रखना चाहिए, दिस इज द डिफरेंस, अदरवाइज कैमरा है क्या है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं कैमरा ये है एक्चुअली, बिकॉज हमने नेचर को इमिटेट किया है, नेचर ने हमें नहीं। अब देखिए दूसरी बात, अब ये जो है ये जो लेंस है, लेंस के बाद जब लाइट आ जाएगी, जो लेंस हमारे आई में है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कौन सा वाला, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस तो आप जानते हो बच्चों, जो बीच में थिक होगा या जिसमें थिन होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जैसे यहां पर बनाया मैंने, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कॉन्वेक्स लेंस में एक चीज याद रखिए, ये बैक साइड में थोड़ा सा ज्यादा कर्व्ड होता है, फ्रंट साइड में कम कर्व्ड होता है रिलेटिवली, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब यहां पर रेटिना होता है, ये रेटिना है, ये रेटिना क्या है, जैसे कैमरा में फोटोग्राफिक फिल्म है वैसे यहां पर इट इज अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, नेचुरल बट नेचुरल मटेरियल, मेड अप ऑफ किसका बना होता है, ये बना होता है सेल्स और नर्व्स का, किसका बना होता है, सेल्स और नर्व्स का, यस। अब देखिए, अब ये जो सेल्स और नर्व्स है, सेल्स के फिर दो किस्में हैं, यानी जो सेल्स इसमें रेटिना में होते हैं, दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को बोलते हैं रॉड सेल और दूसरे को बोलते हैं कॉन सेल्स। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये रेटिना जो बना हुआ है, ये जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल हमारे आई के बैक साइड में लगा हुआ है, ये बना है कॉन सेल्स का, ये बना है रॉड सेल्स का और ये बना है नर्व्स का। और देखिए अब जब इस पे इमेज बन जाएगी, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कॉन सेल्स आर रॉड सेल्स आर हियर इन दिस डिप्रेशन, ये जो रेटिना में एक डिप्रेशन होती ना वहां पर ही ज्यादा क्लस्टर करके होते हैं, इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलीज, ये जो यहां पर है ये फोविया सेंट्रलीज, चलिए मैं लिखता हूं, ठीक है, फोविया सेंट्रलीज ये है, तो इस फोविया सेंट्रलीज में ही वो सेल्स होते हैं कॉन सेल्स और रॉड सेल्स, वहीं पर क्लस्टर किए होते हैं। और ये जो डिप्रेशन होते हैं ना रेटिना में, ये डिप्रेशन कहलाती है येलो स्पॉट, क्या कहलाती है, येलो स्पॉट, क्यों कहलाती है मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सेल्स है ना, कौन कौन से सेल्स है, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। रॉड सेल का क्या काम है, रॉड सेल का ऐसा काम है कि अगर आपके पास लो इंटेंसिटी लाइट है तो ये पहचानेगा कौन सा रीजन डार्क है और कौन सा रीजन ब्राइट है, मतलब ये डिफरेंस कर पाएगा, वो रॉड सेल का काम होता है लो इंटेंसिटी लाइट में पहचाना कौन सा रीजन डार्क है और कौन सा रीजन ब्राइट है, वो रॉड सेल का काम है। लेकिन इसके कंट्रास्ट में जो हमारे पास कॉन सेल्स हैं, वो जो लाइट में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, यानी हाई इंटेंसिटी लाइट में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को पहचानना है, मतलब फिजिक्स में बात करें तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जब हम एक लेमन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो कलर्स बोल सकते हैं, तो उसका काम है कलर्स को पहचानना, किसका, कॉन सेल्स का, यस नाइस, कॉन सेल्स का। तो ये देखिए, ये जो सेल्स हैं जो हमें ब्राइटनेस पहचानने के लिए या डार्कनेस पहचानने के लिए, तो रॉड सेल्स है वहां, और कलर को पहचानने के लिए वहां पर कौन सेल्स पड़े हुए हैं, और वो सारे सेल्स इस डिप्रेशन में होते हैं जिसको बोलते हैं येलो स्पॉट। यू नो द मीन लाइट जो है ना, जो हमारे पास लाइट लाइट है व्हाइट लाइट, वो बहुत सारे कलर का बना हुआ होता है, लेकिन उसमें से येलो को मीन लाइट कहा जाता है, एवरेज लाइट, तो इसीलिए इस स्पॉट को येलो स्पॉट देता है, बिकॉज यही तो आपको ब्राइटनेस देता है, यही से आपको पता चलता है कलर कौन सा है, इसीलिए इसको येलो स्पॉट बोलते हैं। और जो नर्व्स हैं वो क्या काम करते हैं, जो हमारे वहां है ना इलेक्ट्रिसिटी में वो तारे जो काम करती हैं, वही हमारे नर्व्स काम करते हैं यहां पर, वो नर्व जो आपकी जो ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन है, यानी लाइट के जरिए जो आपको इमेज बन गई इसके ऊपर फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे, यानी रेटिना पे, वही वो ले जाएगा ब्रेन के पास। चूंकि आप बच्चों को तो पता है जब कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है ना, तो वो रियल बनाता है, लेकिन साथ साथ में वो इन्वर्टेड होती है, तो रियल इमेज तो हम लेते हैं यहां से, लेकिन वो इन्वर्टेड होती है ना, यानी अगर आप हाउस देखोगे, अगर सिर्फ रेटिना के ऊपर होता तो हमें वो बिल्कुल उल्टी बिल्डिंग दिखती, लेकिन वहां क्या होता है, थ्रू नर्व्स यहां से एक ऑप्टिक नर्व है, ये देखिए ऑप्टिक नर्व, ये ब्रेन के साथ जुड़ी होती है, इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, तो ब्रेन में प्रोसेस होती है, वो इन्वर्टेड वापस इरेक्ट में पहचाना जाता है, तो ये ब्रेन का काम है यहां पर।
तो फिर हमें वो बिल्डिंग ठीक ठीक से इरेक्ट दिखती है जो अदरवाइज रेटिना पे इन्वर्टेड बनी है, रियल है बट इन्वर्टेड है, लेकिन ब्रेन का काम उसको है कि उसको प्रोसेस करे वापस इरेक्ट, और हम देखते हैं। ये ह्यूमन आई, तो समझ में आया क्या ह्यूमन आई? अब एक और मसला इसमें है, इस ह्यूमन आई को हम दो रीजन में कन्वर्ट करते हैं, लेंस से पहले यानी क्रिस्टलाइन लेंस से पहले जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, उससे पहले वाले को ये जो है, ये जो एक रीजन है फर्स्ट रीजन, तो ये जो दूसरा, ये दूसरा रीजन है ठीक है, इसको एंटीरियर रीजन बोलते हैं और इसको पोस्टीरियर रीजन बोलते हैं। तो एंटीरियर रीजन में एक फ्लूड होता है, लिक्विड होता है, और पोस्टीरियर रीजन में भी एक लिक्विड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये लिक्विड जो है जो पहले वाले रीजन में है यानी लेंस से पहले वाले रीजन में है, उसको हम बोलते हैं एक्वास्यूमर, ये लिखा है मैंने, ये लिक्विड है एक्वास्यूमर। और जो दूसरे सेक्शन में यानी पोस्टीरियर रीजन में जो होता है उसके बाद जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं वाइट्रोस्यूमर, लिखा है यहां पर वाइट्रोस्यूमर। और इस लिक्विड का क्या काम है? अब ये मसला है, आप समझते होंगे, काम ये है कि बाहर जो आए के एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जी, आप जानते हो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आए भी पड़ेगा अगर अंदर कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट देने के लिए ना हो तो ये सिकुड़ जाएगी, आई ही खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन नेचर ने हमें अंदर एक फ्लूइड दिया है जिसका प्रेशर है वो बाहरी वाले प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बिल्कुल बैलेंस करता है, तो उससे क्या होता है, उससे आई की जो शेप है वो मेंटेन रहती है, अदरवाइज आई ही सिकुड़ जाती, और वो सिकुड़ेगी तो सारा मामला चौपट हो जाएगा ना। तो ये नेचर ने हमें दिया, ये लिक्विड का काम है ठीक है ना, जैसे हम सपोर्ट करते हैं अंदर से इसको सपोर्ट करते हैं कि इसकी शेप मेंटेन रहनी चाहिए। फाइन, यू अंडरस्टूड इट, वेरी गुड। सो ये होता है, ये इसका काम होता है। और देखिए और एक बात, सो लाइट जब आ जाएगी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, लाइट जब यहां से आएगी किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी इंसान से लाइट आ गई हमारे आई में ठीक है, उस लाइट को जाना है पहले कॉर्निया से, बिकॉज सबसे पहला एंट्रेंस पॉइंट जो है वो कॉर्निया है, तो उसको कॉर्निया से जाना पड़ेगा उस लाइट को। उसके बाद यहां एक सर्कुलर डायफ्राम लगा है जिसको आयरिस बोलते हैं, मैंने पहले बोला आपको, और उसके बीच में से एक छोटा सा होल है जिसको प्यूपिल बोलते हैं, सिर्फ उस होल में से लाइट जाएगी, और वो प्यूपिल क्या है, उसको वेरिएबल साइज होता है 2 mm से लेकर 8 mm तक। 2 mm कब लेगा वो, जब हाई इंटेंसिटी लाइट होगी। 8 mm कब बनाएगा, जब लो इंटेंसिटी लाइट होगी। एडजस्ट करता है अपने आप को नेचुरली थ्रू द मसल एक्शन ठीक है ना। तो उसके बाद वो लाइट आनी है किसके ऊपर, लेंस के ऊपर, और जब लेंस है, ये कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरे टर्म में बोलेंगे तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं ठीक है ना। तो ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। देखिए ये कन्वर्ज जब लाइट को करेगा वो सीधी कहां पर रेटिना पे कन्वर्ज करेगा, और जहां लाइट को इकट्ठा किया जाता है, जहां लाइट को कलेक्ट किया जाता है, इमेज तो वही बननी है, वही तो इमेज होती ना, तो ये इसको कन्वर्ज रेटिना पे करेगा तो इमेज बन जाएगी। इस बीच में देखो लाइट कहां कहां से सफर होती है, किन किन ट्रांसपेरेंट मटेरियल से सफर होती है, पहले कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.38, फिर उसके बाद यहां पर एक लिक्विड लगा है जिसका नाम है एक्वास्यूमर, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है ठीक है, कॉर्निया का 1.38 और जो एक्वास्यूमर यहां लगा है उसका 1.33, और जो नेचुरल लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है उसका है 1.40। उसके बाद जो यहां पर क्रिस्टलाइन लेंस है, ये सॉरी जो यहां पर ह्यूमर है दूसरा लिक्विड यानी वाइट्रस ह्यूमर, उसका है 1.34। तो देखिए कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम मैंने दिया, यहां पर 1.38 कॉर्निया का, एक्वस ह्यूमर का 1.33, लेंस का 1.40, और जो यहां पर वाइट्रस ह्यूमर है उसका 1.34। तो एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर का करीबन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। देखिए बात यह है, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों आपको बताया बच्चों, ये याद रखना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जब नंबर आता है ना तो आपको पता चलना चाहिए वहां पर रिफ्रैक्शन हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही है रिफ्रैक्शन होना, जब नंबर मिल गया दैट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है ठीक है। तो कितने रिफ्रैक्शन, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो जाते हैं तब जाके लाइट फोकस होती है रेटिना पे, और रेटिना पे जब फोकस होती है तो हम इमेज बनाते हैं, इमेज बनने के बाद वो कहां चली जाती है, थ्रू नर्वस ब्रेन में, और ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, हमें दिखता है। Now listen to me now carefully. Now I have made here an eye. It's a now simple structure, not a complicated one. Now try to understand what I am going to tell you. Please be now very patient. Now if suppose here we have a lens and we know that that's a convex lens. Now everybody knows it because I have explained it. Now what can be a normal eye actually do? Okay. So suppose some light will come from here, from infinity like this. It
comes from infinity. So light is coming from infinity because you know students, and then I have shown the parallel rays. Parallel rays means that light is coming from, say, from infinity. And they come through the cornea, say, and their iris, and after iris they will strike with the lens. Which lens? Convex lens. Okay? Now, what will the further process? It will converge. Then it converges, so it will go like this. So, something like this, something like this. Look here. It converges the light and there will be the formation of image. Where? On retina. Understood? Ye ab retina pe ban jayegi. Now, after retina, the information will be sent to the brain through optic nerve. And then brain will process. Okay. So, something will happen. Suppose this is a normal eye. Okay, this is normal eye. The normal eye, what normal eye can be? There are two points for an eye. One is called the near point and one is called the far point. Two points we do have. Near point kya hota hai? Aur ye far point kya hota hai? Do you know near point? Near point wo hota hai ki usse pehle, yani before that I cannot actually see the objects clearly. Aur phir far point hota hai. Yani beyond far point, और आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. बात समझ में आई कुछ? दैट मीन्स अवर आई कैन विजुअलाइज द थिंग्स बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ओनली. फाइन. तो ये जो है द आई कैन विजुअलाइज द थिंग्स बिटवीन नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट. द रेंज बिटवीन नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट इज कॉल्ड द विजुअल रेंज. अंडरस्टूड? विजुअल रेंज यानी हमारी आई की एक लिमिटेशन है. नियर पॉइंट से पहले नहीं देख पाएगा और फार पॉइंट के बाद नहीं देख पाएगा. और वो जो नियर पॉइंट है ना, से नियर पॉइंट यहां पर है और नियर पॉइंट यहां पर है. मैं फिर से बताता हूं एक बार. ये हमारी आई है, से सपोज ये आई है. ओके, दिस इज आवर आई. और आई का से नियर पॉइंट यहां पर है और यहां पर हमारे पास फार पॉइंट है. Or the distance between near point and the far point is called the visual range. Understood, my dear students? Visual range kya hota hai? The distance between or the space between near point and the far point is called the visual range. This is the scale on which scale we can see. Ab bachcho, aap ek try kar lena. Agar aap ungli ko apne aank ke samne laoge, then you keep on moving that finger towards your eye. What will happen? Do you know that? एक ऐसा मामला आ जाएगा जहां पर आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे. जो उंगली के ऊपर जो बनी ग्रूव्स हैं, you cannot differentiate between the grooves which are on your finger. So आपको क्लियरली नहीं दिखेगा. तो इसी तरह उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट. ठीक है. और बाद में जो फार पॉइंट है, अगर उससे दूर होगा तो यू कैन नॉट इवन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. सो द पॉइंट इज, अगर एक नॉर्मल आई लेंगे, we will take the normal eye, a relaxed eye. ठीक है ना. तो जहां पर वो चीजें, जहां तक वो ठीक से देखेगा, यानी उसके बाद उसे पहले लाओगे, वो डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएगा चीजों में. उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन. ओके, एक आई है और आई जो है, जहां तक ये क्लियरली देखेगा नियर पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन. Least distance of distinctive vision. ये भी बोल सकते हैं हम. Usually books are representing least distance of distinctive vision by a capital letter, uppercase D. Now you understand what is least distance of distinctive vision. You know, it's that distance. If the object, you keep on object moving beyond this, this point, then your eye is not capable of differentiating the things. So suppose I have given you an example. If you keep moving your finger towards your eye, so there is a particular distance up to which you can differentiate between the grooves, okay, the grooves which are made upon your fingertip. But if you keep further move your finger towards your eye, then you are not able to see that. And that point, that particular point, is called the least distance of the distinctive vision. Okay? And for normal eye, please remember it, for normal eye, for relaxed eye, this D is equal to 25 centimeters. 25 सेंटीमीटर्स एक नॉर्मल आई के लिए. उससे पहले वो नहीं देख पाएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा चीजों में. तो दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन फॉर ए नॉर्मल आई. रिमेंबर इट. ओके, नाउ सो वी नो नाउ विजुअल स्केल. वी नो नाउ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन, व्हाट इज दिस. एंड
further is, if we'll do one more thing here, one more thing I will share with you is this. If you somebody has some problem with the eye, what kind of problem may arise? See, suppose this is our eye and this is our eye, okay? And instead of focusing the light, see, this is the lens, okay? This is the lens. Instead of focusing the light at retina, it is focusing the light before retina. Like this. Please, take care of the students. Ye retina pe focus nahi hua. It is focusing somewhere before the retina. So, no image will be formed. This eye is called the defective eye. Okay? Or else, something may happen like this. This is eye. This is lens, eye lens. Okay? So, these are the rays which coming from object which is lying outside. Okay? So, now, this is our optical axis. This is optical axis of eye. Okay? Optical axis. That is connecting the center of cornea and center of lens. It's called the optic axis or optical axis. तो ये ऑप्टिकल एक्सिस पे यहां पर फोकस हो रही है. देखो वंस अगेन इट्स नॉट फोकसिंग ऑन रेटिना, इट इज फोकसिंग बिहाइंड द रेटिना. अगेन दिस इज द डिफेक्टिव आई. ओके, सो द नॉर्मल आई इज दैट वायर द इमेज इज फॉर्मड एट रेटिना. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वन थिंग व्हाट आई हैव एक्चुअली टॉट टुडे. दीज डिफेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड स्टे विद मी एंड वेट फॉर दैट लेक्चर. आई विल क्लियर यू दियर व्हाट दीज डिफेक्ट्स are known as and how actually we correct those defects as well, and many more things I will discuss there. But फिलहाल तो मैं ये करूँगा, मैं recapitulation लूँगा. What I have taught you eye, okay, and the outer layer of the eye is known as sclerotic, and sclerotic की जो पीछे एक layer लगी है, that's called the choroid. That choroid is black actually, and what is the function of that? The function is it protects the eye, and also it actually is opaque to the light so that there be no illumination inside the eye for the better image formation. And second thing, I have told you there is a combination of the sclerotic and the transparent tissue which made another layer called the cornea, and cornea is the entrance point for the light to get into the eye. And second, the behind the cornea there is one circular diaphragm with a pinhole inside it, that is called the iris, and the hole that is called the pupil. And after the light is passing through that pupil, it gets striked with the lens. That lens is called the eye lens, crystal eye lens. Okay, and after the lens converts the light, the image is formed on the film as light sends to film called the retina. And retina is made up of various cells and nerves. That cell is called rod cells, cone cells. And the rod cell is actually differentiating dark with the bright, and the cone cells are actually differentiating between the different colors. And after that, image is sent through electrical signal to the brain for further processing through optic nerve. Okay, so I have taught you that things. And one more thing, near point and far point. Near point is that point up to which I can see clearly, and far point is beyond which I cannot see the clearly. The region between near point and the far point is called the visible scale. Okay, and one more thing is that if the light is not getting focused on the retina, there will be defect with the eye. And those defective eyes, what are those? I will discuss in a further lecture. Please stay with me. Thank you very much.